हेलो स्टूडेंट्स, और बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा संकुचन तथा अपस्फीति। इसमें सुनिए, इसका पहले अर्थ मुद्रा स्फीति की सर्वथा विपरीत स्थिति ही संकुचन कहलाती है। मुद्रा संकुचन उस दशा को कहते हैं जिसमें मुद्रा की साख तथा पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ जाती है। मुद्रा संकुचन की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर वन है, प्रोफेसर पीगू के शब्दों में मुद्रा संकुचन मूल्यों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। नंबर दो, क्राउथर के अनुसार मुद्रा संकुचन वह अवस्था होती है जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात कीमतें गिरती हैं। नंबर थर्ड है, एपी लर्नर के अनुसार पूर्ति की अपेक्षा मांग का कम होना मुद्रा संकुचन है। नंबर फोर्थ है, प्रोफेसर कीन्स के अनुसार मुद्रा संकुचन वह नीति है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी मांग के बीच का अनुपात इतना कर दिया जाए कि उससे मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाए तथा वस्तुओं के मूल्य गिर जाए। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है, मौद्रिक आय यथावत रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, मौद्रिक आय घटती हो पर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे पर मौद्रिक आय में कमी अधिक हो, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े पर उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो, उत्पादन यथावत रहे पर मौद्रिक आय घटे जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। संक्षेप में, अपस्फीति एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण कीमतें गिरती हैं। यह ठीक है कि अपस्फीति काल में कीमतें गिरती हैं, परंतु जिस प्रकार से मूल्यों की प्रत्येक वृद्धि को स्फीति नहीं कहा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार मूल्यों में प्रत्येक कमी को अपस्फीति नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण, जब स्फीति के पश्चात मूल्य गिरते हैं तो मूल्यों की यह कमी अपस्फीति नहीं कहलाएगी, क्योंकि मूल्यों के इस पतन के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होती। यदि कीमतें पूर्ण रोजगार के स्तर के नीचे गिरती हैं तो आय तथा रोजगार दोनों ही प्रतिकूल से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के लिए अपस्फीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन के कारण। इसमें सुनिए, प्रायः मुद्रा संकुचन निम्न कारणों से उदय होता है। नंबर वन है, रिडक्शन इन मनी सर्कुलेशन, चलन मुद्रा की मात्रा कम करना, मुद्रा प्रसार में कमी करने के लिए जब सरकार मुद्रा की मात्रा को निरंतर घटाती चली जाती है तो कभी कभी वास्तविक चलन में मुद्रा की मात्रा इतनी कम रह जाती है कि मांग को भी पूरा नहीं कर पाती, जिससे देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। नंबर दो, इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक दर ऊंची करना, जब देश का केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण करने के लिए बैंक दर बढ़ा देता है तो वास्तविक चलन मुद्रा में साख मुद्रा के कम रह जाने से देश में मुद्रा का संकुचन हो जाता है। नंबर थ्री, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाई सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार की नीति अपनाकर साख का नियंत्रण करता है तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। नंबर फोर्थ, हैवी टैक्सेशन, भारी कर लगाना, सरकार कभी कभी भारी कर लगाकर देश में चलन मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है जिससे मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। नंबर फिफ्थ है, लोन फ्रॉम पब्लिक, जनता से ऋण, जब सरकार जनता से ऋण लेकर चलन मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकुचन उत्पन्न हो जाता है। नंबर सिक्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि, जब चलन की मात्रा पहले के समान रहते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा किसी कारण से बढ़ जाती है तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति बन जाती है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन, यानी मुद्रा संकुचन के प्रभाव। इसमें नंबर फर्स्ट आता है इकोनॉमिक इफेक्ट्स, यानी कि नंबर वन, इकोनॉमिक इफेक्ट्स का मतलब आर्थिक प्रभाव। इसमें नंबर वन आता है लॉस टू इन्वेस्टर्स, विनियोक्ताओं को हानि।
मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अंश एवं प्रतिभूतियों के मूल्य गिरने से विनियोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है। मंदी के कारण व्यापार व व्यवसाय के बंद हो जाने से विनियोग पत्रों का मूल्य गिर जाता है। नंबर सेकंड, बिजनेस क्लास एंड ट्रेड, यानी कि व्यापारी वर्ग एवं व्यापार उत्पादन आधिक्य तथा मांग में कमी होने से व्यापार ठप हो जाता है। नीचे मूल्य पर व्यापारी घाटा उठाते हैं। नंबर थर्ड है फार्मर्स, यानी कृषक, कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत तेज गति से गिरते हैं, अतः किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। नंबर फोर्थ, इंडस्ट्रियलाइज्ड उद्योगपति, उद्योगों में माल की मांग के अभाव में स्टॉक जमा हो जाते हैं, नीचे मूल्यों में से घाटा होता है। औद्योगिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उद्योग बंद हो जाते हैं, उत्पादन गिर जाता है और उद्योगों में मायूसी छा जाती है। नंबर फिफ्थ, कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता, मूल्यों के गिरने से सीमित आय में अधिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे मुद्रा संकुचन उपभोक्ताओं को लाभप्रद होता है। सीमित आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक लाभ प्राप्त होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में संतुष्ट करने में सफल हो जाते हैं। नंबर सिक्स, डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी कि ऋणदाता एवं ऋणी, मुद्रा संकुचन में ऋणदाता वर्ग को लाभ होता है तथा ऋणी वर्ग को हानि होती है, क्योंकि मुद्रा संकुचन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, अतः ऋणदाता वर्ग को मूलधन व ब्याज के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसकी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक क्रय शक्ति होती है, जबकि ऋणी वर्ग को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ता है। नंबर सेवेंथ, गवर्नमेंट, सरकार, सरकार की आय में कमी हो जाती है, सरकारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेकारी, भूखमरी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर एट्थ है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, मुद्रा संकुचन के समय उत्पादकों को हानि होती है, जिसके कारण वे उत्पादन बंद कर देते हैं या उत्पादन की मात्रा को घटा देते हैं, जिसके फलस्वरूप मजदूरों की छटनी की जाती है तथा देश में बेरोजगारी फैल जाती है। नंबर नाइन्थ आता है बैंकिंग, मंदी के कारण बैंक एवं बीमा कंपनियों का कार्य भी धीमा हो जाता है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बैंकों द्वारा व्यवसाय बढ़ने के अन्य ढंग अपनाए जाते हैं जिससे उनका कारोबार चलता रहे। नंबर टेंथ, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, मुद्रा संकुचन के समय देश के भुगतान संतुलन प्राय अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें गिरने के कारण देश के आयात हतोत्साहित होते हैं तथा निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, इस प्रकार देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अब नंबर सेकंड आता है मोरल एंड सोशल इफेक्ट्स, यानी कि नैतिक व सामाजिक प्रभाव। संकुचन के नैतिक व सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर वन है डिस्प्यूट्स, यानी कि संघर्ष, मुद्रा संकुचन काल में व्यापार और कारखाने बंद होने लगते हैं और मजदूरों की छटनी की जाती है, जिससे श्रमिक वर्ग व पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होता है, फलतः समाज में अशांति फैलती है। नंबर सेकंड, अटैक ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस, व्यावसायिक साहस को आघात, मुद्रा संकुचन के समय गिरती हुई कीमतों के कारण व्यापारिक जगत में निराशा की भावना फैलने लगती है, जिससे व्यावसायिक जगत साहस लगभग समाप्त हो जाता है। नंबर थर्ड है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि, वस्तुओं की मांग घट जाने के कारण अनेक कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं मेजर टू चेक डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा संकुचन रोकने के उपाय। नंबर वन आता है इसमें, नंबर फर्स्ट, मॉनेटरी मेजर, यानी कि मौद्रिक उपाय, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लगाने के लिए इन मौद्रिक उपायों का पालन किया जा सकता है। नंबर वन, बैंकिंग डेवलपमेंट, यानी कि बैंकिंग विकास, सरकार द्वारा बैंकों के विकास
के लिए आर्थिक सहायता देकर साख का विस्तार किया जा सकेगा तथा मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। नंबर सेकंड, इशुएंस ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का निर्गमन, देश में मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करके गिरते हुए मूल्य को रोका जा सकता है जा सकेगा तथा मुद्रा संकुचन पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके लिए नवीन प्रकार के नोटों का प्रचलन किया जाता है तथा देश में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नंबर थ्री, फैसिलिटीज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी यानी कि साख नीति में सुविधा, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नीति में सुविधाएं देने से व्यापारिक बैंकों को अधिक साख विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। ब्याज की दर कम होने से व्यापारी भी अधिक ऋण लेंगे तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति में सुधार होने लगेगा। नंबर सेकंड, फिस्कल मेजर्स यानी कि राजकोषीय उपाय, सरकार को संकुचन काल में निम्नलिखित राजकोषीय उपाय करने चाहिए। नंबर वन, रिडक्शन इन टैक्सेस, करों में कमी, मुद्रा संकुचन की स्थिति में करों में कमी कर देने से उत्पादकों को लाभ अधिक मिलता है, फलतः उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार की स्थिति में सुधार होने लगता है जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से कीमत स्तर और अधिक नीचे नहीं जा पाता। नंबर टू, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय में वृद्धि, मुद्रा संकुचन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ जाती है अतः सरकार को चाहिए कि निर्माण कार्यों पर व्यय करके अपने व्यय में वृद्धि करके इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, फलतः वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संतुलन की अवस्था में आने लगेगी। नंबर थ्री आता है सब्सिडीज, आर्थिक सहायता। मुद्रा संकुचन के प्रभाव के कारण जो उद्योग बंद हो जाते हैं उनकी पुनर्स्थापना के लिए सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। नंबर फोर्थ, रिडम्पशन ऑफ डेब्ट्स, ऋणों का भुगतान। मुद्रा संकुचन काल में सरकार को यथासंभव सार्वजनिक ऋणों का वितरण करना चाहिए, इससे प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर थर्ड आता है अन्य उपाय, अदर मेजर्स। तो उपरोक्त मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी हैं। नंबर वन, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट, निर्यात को प्रोत्साहन देना व आयातों को नियंत्रित करना। संकुचन काल में सरकार द्वारा निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए छूट देनी चाहिए जिससे देश में वस्तु का स्टॉक बेकार नहीं पड़ा रहे। ऐसा करने से व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा तथा उत्पादन उत्साहित होगा। नंबर सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट करना। कीमतों में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट किया जाए ताकि वस्तुओं की पूर्ति में कमी होने से कीमत में वृद्धि हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।